सुप्रभात बच्चों, कक्षा चौथी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ एक। अगर ये पल जाते यहीं ठहर। व्याख्यान तीन। भाषा ज्ञान। नंबर एक, दिए गए अनेकार्थक शब्दों के दो दो अर्थ लिखकर उनसे वाक्य बनाएं। क, मगर, अर्थ है परंतु। वाक्य है, रमन ईमानदार है मगर वह गरीब है। मगर, अर्थ है मगरमच्छ। वाक्य है, मगर पानी में रहता है। ख, पर, अर्थ है ऊपर। वाक्य है, मेज पर पुस्तक रखी है। पर, अर्थ है पंख। वाक्य है, मोर के पर बहुत सुंदर होते हैं। ग, आम, अर्थ है साधारण। वाक्य है, वह एक आम आदमी है। आम, अर्थ है एक पल। वाक्य है, आम रसीला है। अब एक बार पुनः दोहराते हैं। क, मगर, अर्थ है परंतु। वाक्य है, रमन ईमानदार है मगर वह गरीब है। मगर, अर्थ है मगरमच्छ। वाक्य है, मगर पानी में रहता है। ख, पर, अर्थ है ऊपर। वाक्य है, मेज पर पुस्तक रखी है। पर, अर्थ है पंख। वाक्य है, मोर के पर बहुत सुंदर होते हैं। ग, आम, अर्थ है साधारण। वाक्य है, वह एक आम आदमी है। आम, अर्थ है एक पल। वाक्य है, आम रसीला है। नंबर दो, आओ तुकबंदी करें। आपको कुछ वर्ण दिए हुए हैं जिनमें हर जोड़कर
शब्द बनाना है। ठ जमा हर, शब्द बना ठहर। ल जमा हर, शब्द बना लहर। प जमा हर, शब्द बना पहर। ज जमा हर, शब्द बना जहर। न जमा हर, शब्द बना नहर। एक बार पुनः दोहराते हैं। ठ जमा हर, ठहर। ल जमा हर, लहर। प जमा हर, पहर। ज जमा हर, जहर। न जमा हर, नहर। नंबर 3, नीचे दी गई पंक्ति में जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उनको रेखांकित कीजिए। क मेघ, बादल, जलधि, जलधर। बादल और जलधर मेघ के पर्यायवाची हैं। जलधि मेघ का पर्यायवाची नहीं है। ख नदी, तटीनी, झरना, सरिता। तटीनी, सरिता नदी के पर्यायवाची हैं। झरना नदी का पर्यायवाची नहीं है। ग नाव, नैया, नौका, जलाशय। नैया, नौका नाव के पर्यायवाची हैं। जलाशय नाव का पर्यायवाची नहीं है। घ दूध, दुग्ध, क्षीर, नीर। दुग्ध, क्षीर दूध के पर्यायवाची हैं। नीर दूध का पर्यायवाची नहीं है। अब एक बार पुनः दोहराते हैं। क मेघ, बादल, जलधर मेघ के पर्यायवाची हैं। जलधि मेघ का पर्यायवाची नहीं है। नदी, तटीनी, झरना, सरिता। तटीनी, सरिता नदी के पर्यायवाची हैं। झरना नदी का पर्यायवाची नहीं है। ग नाव, नैया, नौका, जलाशय। नैया, नौका नाव के पर्यायवाची हैं। जलाशय नाव का पर्यायवाची नहीं है। घ दूध, दुग्ध, क्षीर, नीर। दुग्ध, क्षीर दूध का पर्यायवाची है। नीर दूध का पर्यायवाची नहीं है। नंबर 4, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। क जो जीता ने
जा सके। अजय ख जो मीठा बोलता हो, मृदुभाषी। ग जिसमें रस न हो, नीरस। घ जिसे पाना कठिन हो, दुर्लभ। अंग जो बात कही न गई हो, अनकही। अब एक बार वाक्यांश के लिए एक शब्द को पुनः दोहराते हैं। क जो जीता न जा सके, अजय। ख जो मीठा बोलता हो, मृदुभाषी। ग जिसमें रस न हो, नीरस। घ जिसे पाना कठिन हो, दुर्लभ। अंग जो बात कही न गई हो, अनकही। आज का गृह कार्य है कवि को बचपन में बहुत से काम पसंद थे। आपको क्या क्या करना पसंद है लिखिए, फिर कवि की पसंद और अपनी पसंद की तुलना कीजिए। कवि की पसंद क कहानी सुनना, ख बारिश में भीगना, ग पतंग लूटना, घ पक्षियों से बातें करना। अंग कागज की नाव बनाना। धन्यवाद।